सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि यार आप माइक कौन सा यूज करते हो। बहुत से कमेंट्स ये भी आते हैं कि ईयरबड्स यूज कर सकते हैं क्या। अब देखो गाइस, वायरलेस ईयरबड्स जो रहते हैं ना मेरे जो है नॉइस के, वो थोड़े ने बाइक्स को अराउंड 150-160 की स्पीड पर चलाए, तो गिरने जैसा आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं अपना फाइनली पूरा जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो आपके साथ रिवील करने वाला हूँ। पिछले मतलब बहुत स्टार्टिंग में मैं अपनी मोटो व्लॉगिंग फोन से करता था, जिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो डाली थी, आप सबका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो जो भी कोई उस वीडियो के सब्सक्राइबर है उनने ये वीडियो खोली है, या फिर आप मोटो व्लॉगिंग के बारे में सर्च कर रहे थे और स्क्रॉल करते करते इस वीडियो पर आए हो, तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज मैं GoPro के साथ मेरा पूरा सेटअप शेयर करने वाला हूँ। एंड आप में से कोई इन द ईयर 2022 स्पेशली GoPro चीप रेट्स में लेने का भी प्लान कर रहा है, तो सारी A to Z आज हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखो गाइस, आप में से कोई भी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो जैसा कि मेरा हेलमेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप अगर फोन से कर रहे हो, GoPro से कर रहे हो, वो चीज अलग है। सबसे पहले आपको ये चिन माउंट लगेगा, जो कि लिंक, जो सारी प्रोडक्ट्स की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आपको एक चिन माउंट लगने वाला है। और GoPro की बात करें तो देखो गाइस, मैंने हीरो 9 बंडल पैक मंगाया था, और आप देख सकते हो बंडल पैक में मतलब बहुत सारी चीजें आती है। इसमें आपको स्टिक मिल जाती है, दो बैटरीज आती है, बहुत टाइप के यहाँ पर माउंट्स मिल जाते हैं, स्टिकर्स आते हैं। तो ये मैंने दुबई से मंगाया था, और अगर इंडियन प्राइस से कंपेयर करें तो मतलब मुझे GoPro को लिए हुए अराउंड 8-9 महीने हो गए हैं, तो अराउंड 15,000 रुपीज का डिफरेंस है अगर आप इंडिया और दुबई को कंपेयर करते हो, और वही अगर आप यूएस से कंपेयर करोगे, बिकॉज GoPro प्रोडक्ट ही यूएस का है, जैसा कि आईफोन भी यूएस का है, तो अराउंड इंडिया से 30,000 रुपीज का डिफरेंस आ जाता है। तो देखो, यूएस से तो मंगाना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो मैं ही सजेस्ट करूंगा आप दुबई से तो मंगा ही सकते हो। तो अब इसको लगा लेते हैं, मैं GoPro को निकालता हूं। मेरा हीरो 9। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा, जो भी लोग देखो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो फोन लेते हैं, बट जो एक्शन कैम अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप सिंपली GoPro लेके मोटो व्लॉगिंग चालू नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो GoPro है ना, अगर आप 7 ले लोगे, 8, 9, रिसेंटली आया हुआ हीरो 10, सब में आपको एक्सटर्नल माइक की जरूरत पड़ती है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैंने मीडिया मोड मंगाया था, आप देख सकते हो ये मीडिया मोड, सिर्फ ये रिंग जो दिख रही है ना आपको, ये 8,000 रुपए की है दुबई में। इंडिया में तो 6-7,000 रुपीज की है, बट मैंने रिव्यूज पढ़े थे, उसमें कॉपी भी बहुत आते हैं, बट ये ओरिजिनल हीरो 9 का मीडिया मोड है, जिसमें आपको यहाँ पर तीन चीजें मिल जाती है। आप डायरेक्टली यहाँ से चार्ज कर सकते हो, ऑक्स लगा सकते हो, एंड दूसरी टाइप की केबल, तो ऐसे तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इसमें तीन टाइप के माइक है, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, यहाँ पर फ्रंट माइक है, देन रियर माइक आ जाता है, देन ये सेंटर का माइक है। तो GoPro इतना सही ये आता है। आप में से कोई भी GoPro ले रहा है तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, दोनों में से एक ले सकते हो, या तो ये मीडिया मोड परचेस कर सकते हो, या फिर आप एडॉप्टर ले सकते हो। एडॉप्टर ही 5,000 रुपए का आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा मीडिया मोड लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और मैंने ये जो माउंट मंगाया था ना, उसमें कोई भी मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपली आपको क्या है ना, ये माउंट पे ये लगाना है। सो हमारा जो बेसिक मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है वो रेडी है। स्पेशली ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मैंने बाइक्स को अराउंड 150-160 की स्पीड पर चलाया, इसको लगाकर ड्रैग रेस भी बहुत सारी शूट करी है, तो गिरने जैसा आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। और बहुत से लोगों को ये भी मित्र रहता है, मतलब जो स्पेशली फोन से, आईफोन से भी मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमारे पास बस GoPro होना चाहिए, तो यार मतलब हमारा चैनल एकदम मोटो ब्लॉगिंग से वायरल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अब आप समझो आपके ने GoPro ले लिया, हीरो 10 ही ले लिया, अब सिंपली कौन सी भी स्कूटी बाइक पे लगा के घूमने निकल गए, तो ऐसा थोड़ी हर वीडियो पे व्यू आएगा। स्पेशली आपका कंटेंट मायने रखता है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप, मैं बोलूंगा इनिशियल स्टेज पे कौन से स्मार्टफोन वाइड एंगल वाले से फोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप स्टार्ट करो। आपको अगर रिस्पांस उस पर मिल रहा है तो फिर एक्शन कैम में पैसे डालने से वर्थ है, बिकॉज आप ऐसे ही एक्शन कैम ले लोगे। और जैसा कि मैं बताया, समझो आप अगर हीरो 9 का भी रेट देखते हो, बंडल पैक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हीरो 9 देखोगे तो 36,000 रुपीज का है, हीरो 10 है अराउंड 51,000 रुपीज का। तो देखो 36,000 का तो आपका वही आएगा हीरो 9, फिर आपका अराउंड 6-7,000 रुपए का मीडियम मोड आएगा, तो 43,000-44,000 तो यही हो जाते हैं। देन उसके बाद भी आपको अराउंड 700-800 रुपीज का माउंट आएगा। ये सारी चीजें हो जाती है, इसके बाद भी आपको माइक आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी स्पेशली GoPro ओन कर चुके और मोटो व्लॉगिंग सेटअप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा ये है, अगर मैं आपको इस पर दिखाऊं तो आप देख सकते हो इस पर से दो रिंग है। अगर आप आपकी नॉर्मल ऑक्स या अगर मैं आपको ये हेडफोन का जैक दिखाऊं, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। ये जो मैंने अलग से खरीदा है अराउंड ये 50 रुपीज का मिल जाएगा आपको, तो इसमें से दो रिंग है, एंड अपने नॉर्मल ईयरफोन एंड जो भी अपने एक्सटर्नल माइक्स आते हैं उसमें तीन रिंग रहती है,
तो आपको मतलब मीडिया मोड खरीद लोगे, एडॉप्टर खरीद लोगे, उसके बाद भी आप डायरेक्टली जैसे एक एंड्रॉइड फोन में माइक इंसर्ट करते हो वैसे गोप्रो में नहीं कर सकते, इसमें आपको ये लगेगा। देन इसके बाद आप इसमें अपना जो माइक है उस पर इंसर्ट कर सकते हो। और अब मेरा मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ जो माइक का है। मैं आप देख सकते हो ये ईयरफोन से। अब आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं अभी आपको राइड पर भी जाके दिखाऊंगा, शाम का समय हो गया, राइड नाइट की अभी क्लिप रहेगी। बट स्पेशली आप इसकी ऑडियो नोटिस करना, गोप्रो से ही पूरा व्यू रहेगा। जो ऑडियो है ना, मतलब मैंने 100-120 की स्पीड पर भी बोला हूँ ना, इतने फ्लुएंटली आवाज आती है ना, मतलब अगर आप बोया के माइक या दूसरे माइक देखोगे ना तो बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। अब इधर मैं आपको अगर दिखाऊं, अब जैसे कि ये तो मेरे सैमसंग S10 से मैं पहले शूट करता था, तो उसके साथ ये ओरिजिनल AKG के ईयरफोन्स आए, तो इतने महंगे ईयरफोन्स तो बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ये मेरे अंदर वीवो के स्मार्टफोन के लगे। आप देख सकते हो मेरा पैडिंग वाला हेलमेट है, जो ईयरफोन के मेन बड्स रहते हैं वो मैंने अंदर डाल लिए, पूरी वायर को यहाँ पर जो चेन माउंट है उस पर लगा लिए। और ये कन्वर्टर को अगर मैं हेडफोन के जैक में यहाँ पर लगाता हूँ तो ये पूरा सेटअप रेडी हो जाता है। एंड माइक का ही सबसे ज्यादा इश्यू रहता है मेरे को, जो भी कमेंट्स आते हैं कैमरा कौन सा यूज करते हो तो लोगों को पता लग ही जाता है GoPro है, बिकॉज उसकी क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी अलग से ही पता लग जाती है। बट एक ही सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि यार आप माइक कौन सा यूज करते हो, तो गाइज मैं वीवो का V9 या V11 मॉडल है, बिकॉज दोनों ही घर पे, तो मुझे याद नहीं कौन से उसका है, बट उसी का मैं नॉर्मल ईयरफोन यूज करता हूँ। आप ईयरफोन लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत से कमेंट्स ये भी आते हैं कि ईयरबड्स यूज कर सकते हैं क्या। अब देखो गाइस, वायरलेस ईयरबड्स जो रहते हैं ना मेरे, जो है नॉइस के वो थोड़े कान के बाहर आते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि यार मैं उसको पहन लूंगा ना तो गाड़ियों की आवाज वगैरह नहीं आएगी, तो एक रिस्की चीज हो सकती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा ईयरबड ना यूज करे वायरलेस वाले, हालांकि वो करके तो मैंने भी नहीं देखा है। सो गाइज, हमारा ये पूरा बेसिक सेटअप रेडी है, जो कि मैं पर्सनली डेली, आप मेरी पुरानी अभी जितने भी मेरी राइड वीडियोस है, बहुत से मैं कंटेंट बनाते रहता हूँ, बाइक चलाने वाली जितनी वीडियोस है सब में मैंने ये पूरा सेटअप यूज करा हुआ है। स्टार्ट करना है तो Hero 7, Hero 8, Hero 9 जो भी आपको लेना है, बट आपको मीडिया मोड लेना या अडाप्टर लेना कंपलसरी है। तो नहीं नहीं करके आप 35,000 से 40,000 रुपए का तो बजट मान के चलो एक्शन कैम के साथ। और अगर आप थोड़ी बहुत अभी, मतलब बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि कमेंट आते हैं कि हमारा भी एक बार चैनल चेकआउट करना, मतलब बहुत से मैंने चेक भी करे हैं कि हाँ वो थोड़ी बहुत मोटो ब्लॉगिंग करते हैं फोन से कर रहे हैं, तो आपको अगर रिस्पांस आ रहा है तो आप इसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। जो भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना, ओवरऑल सारी चीजें मैंने आपको बता दी। जल्दी से अब राइड पर चलते हैं और बाकी बातें वहीं करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो निकल चुके हैं हम राइड के लिए। जैसा कि बताया इवनिंग है, थोड़ी रात का टाइम है, तो देखो क्लिप में क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा अगर आप एक्शन कैम GoPro यूज कर रहे हो। बट जैसा कि आप सुन सकते हो मेरी ऑडियो अभी आपको कितनी क्रिस्प एंड क्लियर लग रही होगी, हालांकि मैं अभी 35-40 की स्पीड पर चला रहा हूँ, बट आपको ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से लोग बिलीव ही नहीं करते कि यार मैं ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ, बिकॉज जो प्रोफेशनल माइक आते हैं ना रोड वगैरह के 8-9 हज़ार के, लोग वो भी इसमें लगाते हैं। 100 रुपये के ईयरफोन से उससे इतना बढ़िया आउटपुट आ रहा है, आप देख सकते हो। सो आप में से अगर कोई फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी बना रहा है तो आप यही वाला माइक यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ स्पेशली माइक के लिए, तो वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आपको, मतलब जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो डिस्क्रिप्शन पर सारी लिंक्स मिल जाएगी। सो आई होप आपके आज की वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए। व्यू आप देख सकते हो, मतलब GoPro में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, फोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप में आपको थोड़ा पछना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में मैंने आपको सारे चीज़ें बताने की कोशिश करी है। आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप भेजिए, कमेंट में पूछ सकते हो। एंड मुझे भी मतलब अराउंड 8-9 महीने हो गए, आप कौन सी भी, मतलब अगर GoPro का भी सेटअप बना रहे हो या फ़ोन का, तो आपको देखो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यार आप पहले दिन से मतलब माइक लगा कर पूरा सेटअप लगा के चल दिए बोलने, बिकॉज देखो मेरे साथ ईयरफोन में एक इशू फेस होता था कि मुझे इतना नहीं पता था कि आप कितना लाउड बोल रहे हो कितना लो बोल रहे हो। तो अब जैसे कि मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ तो आपको एकदम ज़्यादा मतलब इरिटेशनल टाइप साउंड आ रही होगी, तो आपको ये चीज़ पता लगना चाहिए कि आप कितने लाउड बोल रहे हो, कितनी पिच में बोल रहे हो और उसका आउटपुट कैसा आ रहा है, तो वो चीज़ें आपको चेक करना पड़ेगी। वीडियो को एंड करते हैं, बिकॉज मैंने बीच सारी चीज़ें तो आपको बता दी है। कैसी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव थी कि नहीं ये एक बार ज़रूर बताना, और आप में से किसने सेटअप बना लिया है, बनाने का प्लान कर रहा है, वो भी एक बार कॉमेंट में शेयर करना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।